दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो आपको पता होगा कि इन 2 दिनों में बहुत सारे लोग जो कि मोदी जी के ऊपर मतलब मोदी जी जीतने की खुशी में सबको एक एक लैपटॉप मिलेगा, ऐसा मैसेज वायरल हो रहा है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसका फैक्ट क्या है, इसका सच क्या है। एक्चुअल में मोदी जी ने डिक्लेयर किए हैं और हर एक को जो है लैपटॉप मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर। दोस्तों इसका फैक्ट जानते हैं, क्या दोबारा पीएम बनने की खुशी में मोदी ने किया 2 करोड़ युवा को मुफ्त लैपटॉप देने का प्लान, मतलब देने का ऐलान। दोस्तों इसका एक न्यूज़ है, आप देख सकते हैं, इसका नाम है, मोबाइल नंबर है, उम्र है, राज्य है, आप किसको फिलअप करते हैं, सबमिट करना है, ऐसा बोल रहा है। लेकिन हम डिटेल्स में जानते हैं इसके पीछे का राज। क्या वायरल मतलब मेक इन इंडिया के तहत 2 करोड़ युवाओं को मुफ्त लैपटॉप देने का मतलब लैपटॉप देने का ऐलान किया गया है। अभी तक 30 लाख युवाओं सफलपूर्वक आवेदन कर चुके हैं, यानी कि 30 लाख लोग कर चुके हैं। ऐसी कोई घोषणा सरकार द्वारा नहीं की गई, ये एक फर्जी मैसेज है। जी हाँ दोस्तों, एक फेक मैसेज है, ऐसा बोल रहे हैं। फैक्ट चेक टेस्ट। व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, इसमें लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा पीएम बनने की खुशी में एक जो कि मेक इन इंडिया के तहत 2 करोड़ युवाओं को मुफ्त लैपटॉप देने का ऐलान किया गया है। अभी तक 30 लाख युवा सफलतापूर्वक आवेदन कर चुके हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अब आपकी बारी है, अंतिम तिथि से पहले अपना आवेदन जल्द से जल्द सबमिट करें। इसकी पड़ताल में पता चला है कि एक फर्जी मैसेज है, मोदी सरकार ने ऐसी कोई योजना घोषणा नहीं की है। मुफ्त में लैपटॉप देने का मैसेज, साथ में एक लिंक दिया गया है। दोस्तों आपको, अगर आप व्हाट्सएप पे हैं तो आपको बहुत सारे लोग को SMS कर रहे होंगे कि मोदी जी ने लैपटॉप दिए हैं। इस लिंक पे क्लिक करके आप अपना नाम वगैरह रजिस्ट्रेशन कर लो, आपको जो है कन्फर्मेशन के लिए मैसेज आ जाएगा, उसके बाद आपको लैपटॉप मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये एक फर्जी मैसेज है। सबसे पहले ध्यान देखेंगे, जैसे कि आपका HTTP होता है, वो वेबसाइट में HTTPS नहीं है, यानी कि वो HTTP है और S अगर नहीं है तो वो फर्जी वेबसाइट है। इस तरह की कोई घोषणा सरकार द्वारा नहीं की गई, घोषणा होती तो संबंधित विभागों द्वारा इसका अधिकतर जो कि नोटिफिकेशन जारी किया जाता, इसकी जानकारी संबंधित मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी दी जाती। मतलब इसका ऑफिशियल वेबसाइट होता या फिर कई मतलब नोटिफिकेशन आता, पेपर में आता, बहुत सारा आता, लेकिन दोस्तों इस सिर्फ व्हाट्सएप पे ही मैसेज आ रहा है, इसका मतलब ये फेक है। इस मैसेज के साथ जो URL दिया गया है, जो कि आपका जो एड्रेस है वो किसी सरकारी विभाग का नहीं है, सरकार की अधिकतर वेबसाइट में gov.in या gov.com होता है। इसमें .ltk लिखा है, जिसके ये पता चलता है कि ये वेबसाइट फर्जी है। क्या होता है लिंक अपने करने पर, इस मैसेज के साथ दी गई लिंक यहाँ पर जो दिखाया पर क्लिक करने पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसके कवर में पीएम मोदी का फोटो दिखता है, साथ ही प्रधानमंत्री मुफ्त लैपटॉप वितरण यानी कि मुफ्त लैपटॉप बांटने का 2019 लिखा नज़र आता है। मेक इन इंडिया के लोगों के साथ ये भी लिखा जाता है कि 2 करोड़ युवाओं को मुफ्त लैपटॉप देने का योजना। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिखेगा, इसमें आवेदन का नाम, मोबाइल नंबर, उम्र और राज्य की जानकारी मांगी जाएगी। ये जानकारी डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, आपके पास पहले से ही लैपटॉप है? दूसरा, क्या आप प्रधानमंत्री की इस योजना के बारे में अपने दोस्तों को बताओगे? इन पर क्लिक करने के बाद मैसेज आता है कि प्रिय आवेदन जी, हमें आपका आवेदन सफलतापूर्वक प्राप्त हो गई है। इसके बाद इसे 10 ग्रुप या 10 दोस्तों को शेयर करने पर आपकी शर्त रखी जाती है। शेयर करने के बाद बाकायदा व्हाट्सएप को ऑप्शन दिया गया है कि यहाँ एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी अटल कर दिया जाता है कि फॉर्म डाउनलोड करने के बाद ऑप्शन दिया जाता है। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद नई लिंक ओपन हो जाएगी जहाँ फॉर्म नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होता है, जैसे ही आप किसी बंदे को सेंड करते हो वो भी ठीक ऐसा ही करता है कि आपको जो देख सकते हो इधर प्रधानमंत्री मुफ्त लैपटॉप वितरण 2019 लिखा है, और इधर लिखा है कि हम कैसे आवेदन कर सकते हैं, ये डिटेल्स लगे। लेकिन दोस्तों ये फेक न्यूज़ है, अगर आप ऐसे करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप किसी भी व्हाट्सएप, ये बोल के नहीं है, किसी भी अगर व्हाट्सएप पे कोई भी जरिए आपको ये रजिस्ट्रेशन कर लो वो कर लो तो आप कभी मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही रिस्क होता है, आपका प्राइवेट जो डाटा है वो लीक हो सकता है। दोस्तों एक फर्जी मैसेज है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था कि बहुत लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों ये फेक ही है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।